दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 25 फरवरी 2019 को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट सिटिंग में आयोजित हुए एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं तो आप इस वीडियो को देख करके आप अपने सभी 50 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की मिलान कर सकते हैं और आप लोग कन्फर्म हो सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया है। यह प्रश्न पत्र सेट जो है ये है, आपका कोई भी कोड रहे, सिर्फ आपका नंबरिंग चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सबका सेम ही है। तो आप क्या कीजिए कि हम जो इस प्रश्न में जिस ऑब्जेक्टिव का जवाब देंगे तो उस ऑब्जेक्टिव को आप अपने प्रश्न पत्र में ढूंढिए कि कहाँ पर वह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में है और उस अनुसार अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान करते चलिए। तो यहाँ पर जो भी आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन दिया जा रहा है और हल के साथ दिया जा रहा है, कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं है। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्लास 10th पास कर जाएंगे तो 11th 12th का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलेगा। साथ ही आप लोगों को बिहार बोर्ड से संबंधित और रेस्ट बचे सब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर मिलेगा। तो तेज़ी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10² 60° का मान है। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग सोचेंगे कि 10 60° का मान √3 होता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो इसलिए उनके मान का होल स्क्वायर होगा। तो √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए 1 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई है। यहाँ पर देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है। यदि PA 4 सेंटीमीटर है तो PB की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो 2 का सही ऑप्शन आपको हो गया डी, आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो भी सोल्यूशन दिया जा रहा है बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन दिया जा रहा है, फिर भी कोई ना कोई त्रुटि अगर रह जाए तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। लेकिन इनके आंसर तैयार करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, त्रुटि नहीं रहने के कोई गुंजाइश है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो यहाँ पर देखिए कि शून्यकों का योग, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको योग और गुणनफल दिया रहे तो आप लोग द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है x² - α + β + α × β, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है तो इसलिए माइनस माइनस गुना होगा, प्लस आपको 3 हो जाएगा तो इसलिए x² + 3x + 2 होगा। तो 3 का सही ऑप्शन आपको ए होगा, आंसर हो गया x² + 3x + 2। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर आपको लंब हो गया वृत्त की त्रिज्या, तो लंब बराबर होता है √√(Kern²-Adhar²). तो कर्ण यहाँ पर आपको हो गया 13 सेंटीमीटर और आधार हो गया आपको 12 सेंटीमीटर, तो 13 × 169 हो गया और 12 × 12 = 144 हो गया। तो 169 में से 144 घटा तो 25 बचा, 25 का √5, इसलिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा। 4 का सही ऑप्शन आपको डी, आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर जो भी आंसर दिया जाएगा आपको समझाते हुए दिए जाएगा ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे और आप लोग निश्चिंत हो जाए इस आंसर को देख करके कि ये श्योर आंसर है, ये आपका ट्रू आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 बेलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपको त्रिज्या का अनुपात दिया है तो इसलिए त्रिज्या का अनुपात जब आपको दिया रहे तो हम त्रिज्या का क्या करते हैं कि वर्ग करते हैं, बेलन का आयतन होता है π r² h, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और आयतन वहाँ पर
देख रहे हैं कि ऊंचाई का अनुपात 5 है, तो 4 गुना 5 और 3 3 9, 9 गुना 3 तो 5 20 9 3 27, 20:27। 5 का सही ऑप्शन आपको बी होगा, आंसर होगा 20:27। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इनका सही ऑप्शन आपको डी होगा क्योंकि ये चतुर्थ घात समीकरण है। छो का सही ऑप्शन आपको डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अब यहाँ पर देखिए कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है, तो इसलिए देखिए 1 से अधिक या निगेटिव संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 3.5 है, 1 से अधिक है, इसलिए 3.5 जो होगा इनका सही ऑप्शन होगा। 3.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 7 का सही ऑप्शन आपको ए आंसर हो गया, 3.5। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं ए और 18 का एलसीएम 36 तथा महत्तम समवर्तक 2 है तो ए का मान होगा। आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम यहाँ पर 36 और एचसीएफ 2 दिया हुआ है ए का मान कर निकालने के लिए, तो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कीजिए, 36 दूनी 72 और 18 से डिवाइड कीजिए, तो 18 चौके 72, आपको 4 आएगा आंसर। 8 का सही ऑप्शन सी आंसर हो गया, 4। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो डायरेक्ट सूत्र ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P-42 और Q-86 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, तो मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए X1 और X2 को जोड़ करके भाग देना है और Y1 और Y2 को जोड़ करके भाग देना है। तो इस प्रकार से आपको 2 और 4 आएगा, बगल में आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो 8, 10 का सही ऑप्शन सी आंसर हो गया, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वह 26 मीटर की दूरी पर होगा। बगल में यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय यानी आपको होगा √121, क्योंकि इनका वर्गमूल जो होगा 11 होगा, रूट से बाहर हो जाएगा। तो 12 का सही ऑप्शन डी आंसर हो गया, √121। क्वेश्चन नंबर 13, एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग है, तो इनका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनका जवाब क्या होगा। आप लोगों को इनका जवाब कमेंट सेशन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। तो जब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या सिर्फ अद्वितीय होता है, अर्थात केवल एक हल होता है, तो 14 का सही ऑप्शन ए आंसर हो गया, सिर्फ एक। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है? बगल में आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, हमने जो निकाला है 30 डिग्री होगा। 15 का सही ऑप्शन आपको बी आंसर हो गया, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात बहुपद x²-2 के शून्यक है, तो इनका शून्यक आपको होगा -√2 + √2। तो 16 का सही ऑप्शन आपको बी आंसर आप देख ही रहे हैं और सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं बगल में। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालना है, तो इनका वर्गमूल निकालना है, 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11। 17 का सही ऑप्शन ए आंसर हो गया, 8:11। क्वेश्चन नंबर 18, 38.5 सेंटीमीटर² क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो 18 का सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बगल में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे 3.5 सेंटीमीटर हुआ है। यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है वह आपको हल करके दिया जा रहा है और कोई भी त्रुटि आपको नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए डायरेक्ट ये सवाल ही है आपके बुक का, ये 2 मार्क में रहना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो 19 का सही ऑप्शन आपको सी। ये आप क्वेश्चन भी बनाए होंगे, सोल्व किए होंगे।
और बगल में आप सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा किसके बराबर है? देखिए साइन थीटा कोस थीटा का बराबर होगा जब उनका एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर दोनों का मान सेम होता है। 20 का सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। तो देखिए दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनको छेदक रेखा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर छेदक नहीं है तो इसलिए 21 का सही ऑप्शन आपको ए होगा, आंसर होगा जीवा, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुओं ए 2-4 और बी 4-2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कहलाता है। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए x1 x2 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, y1 y2 को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको आएगा 22 का सही ऑप्शन सी, आंसर आएगा 3-3, क्योंकि 4 2 6 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, -4 -2 को जोड़ेंगे आपको आएगा -6, में 2 से भाग देंगे -3 आएगा। तो 22 का सही ऑप्शन आपको सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, यदि 5 cos θ = 3 तो 3 tan θ का मान होगा? तो देखिए 3 tan θ का मान आपको 4 आएगा, यहाँ पर बगल में आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो आपको हो गया 23 का सही ऑप्शन सी, आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 24, cos 90° - a डायरेक्ट सूत्र ही है तो ये आपको होगा साइन ए। क्वेश्चन नंबर 25, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यादरी छाया निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की संभावना है। तो देखिए ताश के कुल पत्तों में इक्कों की संख्या 4 होती है और कुल पत्तों की संख्या 52 होती है, तो इनकी संभावना क्या होगा? 4/100, 4/52, तो 4 से 52 को काटेंगे तो 13 आएगा, तो 1/13 इनका सही आंसर होगा और ऑप्शन आपको होगा 25 का सी, आंसर 1/13। क्वेश्चन नंबर 26, बिंदुओं -5/7 और -1/3 के बीच की दूरी है, तो इनका सही ऑप्शन आपको सी होगा, आंसर होगा 4√3। हमने जो सजेशन दिया था उनमें से लगभग सभी क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग सभी क्वेश्चन उसी टाइप के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 5/15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात है, तो इनका सही ऑप्शन आपको आएगा डी, 12:1। बगल में आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, जिनका भी सॉल्यूशन चाहेंगे बगल में सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का दसवां पद है, तो दसवां पद आपको 27 आएगा, बगल में सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, तो 28 का सही ऑप्शन ए, आंसर हो गया 27। किसी को किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे फेसबुक पेज सम्राट सर सर्च करके फेसबुक पर, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन को आपको विस्तारपूर्वक समझना हो। क्वेश्चन नंबर 29, बिंदु 2√3 - √2 किस पाद में स्थित है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा चतुर्थ पाद। देखिए इन क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से समझाया था, यहाँ पर देखिए एक्स का मान पॉजिटिव वाई का मान निगेटिव, तो ऐसा कब होता है, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो 29 का सही ऑप्शन आपको डी होगा, चतुर्थ पाद। क्वेश्चन नंबर 30, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा 27, बगल में सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल तो कितना होगा, 4 होगा, 2 2 4, दोनों का मान 2 2 होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, तो 2 2 4। क्वेश्चन नंबर 38, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 और 14 .. का कौन सा पद 82 है, तो 82 एन का मान निकालना है, यहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं 21 आता है, तो 38 का सही ऑप्शन सी, आंसर हो गया 21वां पद होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई आर और एच है तो उनका आयतन होगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। 39 का सही ऑप्शन आपको सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, एपी से निकालिए इनका मान, एन का मान आपको आएगा 25। 40 का सही ऑप्शन बी, बगल में सॉल्यूशन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर आप दो त्रिभुजों ABC और PQR में कोण AP के बराबर है, BQ के बराबर, CR के बराबर हो, तो ABC और PQR यहाँ पर है कि तब क्या होगा, तो ABC और PQR क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा, समरूप होगा, क्योंकि AP के बराबर है, BQ के बराबर है और CR के बराबर है, ABC PQR।
तो 41 का सही ऑप्शन आपको डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान होगा, तो x का मान आप निकालेंगे 14 निकलेगा। बगल में आप सॉल्यूशन को देख लीजिए, यहाँ पर हमने बगल में सॉल्यूशन दे दिया है, क्योंकि बहुत आदमी बिना सोचे कमेंट करने लगते हैं कि सर ये होगा ये होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दे दिया है। फिर भी अगर कोई रिकॉर्डिंग करने में त्रुटि रह जाती है तो वो अलग बात है, उनका जवाब कमेंट सेशन में दे दिया जाता है। कमेंट करने से पहले आप लोग देख लीजिए कि हमने कमेंट सेशन में क्या कमेंट करके पिन किया है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि समीकरण kx-5y=2 तथा 6x+2y=7 के कोई हल न हो, देखिए कोई हल नहीं हो तो इनके लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 बराबर b1/b2 करके k का मान निकालिए तो -15 आएगा। 43 का सही ऑप्शन आपको डी आंसर हो गया, k बराबर -15। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। 44 का सही ऑप्शन आपको बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा, तो परिसर निकालने के लिए क्या करना है कि उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या, सबसे देखिए उच्चतम संख्या 30 है, निम्नतम 9 है, तो 30 में से 9 घटाइए 21 हो गया। 45 का सही ऑप्शन आपको डी हो गया, आंसर हो गया 21। क्वेश्चन नंबर 46, बिंदु -6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से है, तो देखिए इस पर देखिए ये सवाल हमने बताया था, हमने जो भी मैथमेटिक्स सजेशन का वीडियो अपलोड किया था तो आप लोग जो देखे होंगे वह तो आसानी से बना लिए होंगे, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा 10, क्योंकि मूल बिंदु से कह रहा है, तो इसलिए जो बिंदु आपको निर्देशांक दिया रहे उनका वर्ग करके जोड़ दीजिए और उनका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 66, 36, 68, 64, 36, 64 हो गया 100, 10, 100 का वर्गमूल 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मोसो होगा, देखिए अभाज्य संख्या का जो मोसो होता है वो 1 होता है, तो 47 का सही ऑप्शन डी आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 48, समीकरण युग्म x+2y+5=0 तथा -3x-6y+1=0 के हल हैं, तो इनका हल जो होगा कोई हल नहीं होगा। बगल में सॉल्यूशन को देख सकते हैं, अगर आपने हमारे सजेशन को देखा होगा तो वहाँ पर हमने समझाया था, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अंत में कट रहा है तो इसलिए कोई हल नहीं होगा। 48 का सही ऑप्शन आपको सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, द्विघात समीकरण bx²+ax+c=0 के मूल समान हो तो, इनका सही ऑप्शन आपको होगा, तो 49 का सही ऑप्शन आपको होगा a²-4bc=0। 49 का सही ऑप्शन आपको डी होगा, ऐसा नहीं कि 49 का सही ऑप्शन आपको ए होगा b²-4ac, ऐसा तब होता जब होता ax²+bx+c। यहाँ पर आप लोग बाद में कमेंट करेंगे नहीं सर ये होगा b²-4ac, हमने तो ये पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर द्विघात समीकरण को देखिए, द्विघात समीकरण है कि bx²+ax+c, यानी जहाँ पर आपको ए होना चाहिए वहाँ पर बी है और जहाँ पर बी होना चाहिए वहाँ पर ए है, तो इसलिए पलट गया है, तो इसलिए होगा a²-4ac=0। 49 का सही ऑप्शन आपको डी होगा, आंसर होगा a²-4bc=0, ऐसा नहीं कि b²-4ac=0, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि समीकरण किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है तो इनकी ऊंचाई है, तो बगल में आप सॉल्यूशन को देख लीजिए, इनका मान आएगा आपको √3a। 50 का सही ऑप्शन आपको बी आंसर हो गया, √3a। तो यहाँ पर आपने सभी 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ जाना, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी रिकॉर्डिंग करने में मिस हो जाए, कहीं आपको लगे कि यह आंसर गलत है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, उनको अवश्य ही सुधारा जाएगा, लेकिन हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी गलत आंसर नहीं दिया जाए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग 11th 12th का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन और बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज रेस्ट बच्चे पेपर का ऑब्जेक्टिव का आंसर हेतु मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।